लास्ट वन डिजिट टू डिजिट थ्री डिजिट बाय यूजिंग बाइनोमियल। लास्ट थ्री डिजिट, लास्ट के थ्री डिजिट दो डिजिट एक डिजिट कैसे डिफाइन करते हैं यूजिंग बाइनोमियल, इस पर बेस क्वेश्चन। जैसे ये है कि फाइंड लास्ट टू डिजिट्स ऑफ, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 7 to the power 80, 7 to the power 80, 7 to the power 80 को अगर 7 को 80 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो आखिरी के दो डिजिट क्या होंगे, सवाल ये है, समझ गए? तो देख लो वो नंबर क्या है n, वो क्या है 7 का पावर 80। इसमें इस प्रकार का फॉर्म रहता है, यहां एक ये बॉक्स लिख देता हूं, फॉर्म ऐसा रहता है, नंबर इस प्रकार के फॉर्म पे है a टू द पावर n, या ये x नंबर है, तो इसमें कन्वर्ट a इज टू 10 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 पे, a को यानी बेस को कन्वर्ट करो किस पे, 10 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 पे, फिर n बदल जाएगा किसी और चीज पे, समझ गए? बस इतना सा करना है। तो अब देखो वो x जो है वो है 7 का पावर 80, 7 का पावर 80 इक्वल टू 49 का पावर 40, बराबर सही है, ओक्स 49 का पावर 40, इट मींस व्हाट? पहले इजी क्वेश्चन लेते, 9 का पावर 80 करते, तो 9 का पावर 80 में इसे आप ऐसा करो 81 का पावर 40 करो, तो 81 का पावर 40 मतलब 80 प्लस 1 का पावर 40, अभी से कन्वर्ट, अभी से ब्रेक कीजिए बाइनोमियल की यूज से, 40C0 80 का पावर 40 डक डक डिग डिग डम, 40C40 से पहले 39 से पहले 38 80 का पावर 2 प्लस 40C39 80 का पावर 1 प्लस 40C40 80 का पावर 0, ऐसा देखो जरा ध्यान से, यह 80 का स्क्वायर है, 80 का मतलब 10 का भी स्क्वायर, मतलब ये 100 का मल्टीपल है पक्का, मतलब इसके आखिरी दो डिजिट 0 ही होंगे, इससे पहले के आखिरी 3 डिजिट 0 होंगे, मैं ठीक बोल रहा हूँ? मैं तो ठीक बोल ही रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? और उससे पहले 4 डिजिट 0 होंगे, और यहाँ 40 डिजिट 0 होंगे, कम से कम पक्का श्योर है कि 40 डिजिट 0 होंगे। क्या ये नंबर 100 का मल्टीपल है? है? थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, इमोशनल हो गए। वैसे वो भी 100 का ही मल्टीपल है, क्योंकि ये 40 होगा, इसमें 10 है उधर 80 है, दस है, ये भी 100 का ही मल्टीपल होगा, पर इसको नहीं देखते। ये देखो क्या ये 100 का मल्टीपल है? पक्का 100 का मल्टीपल। क्या ये 100 का मल्टीपल? तो 100 के मल्टीपल का फॉर्मेट बता देता हूँ, इस नंबर को x बोलने के बदले y बोलो, क्या बोलो? तो y इक्वल टू इस प्रकार से नंबर बनेगा x x x x, ऐसा देखे हो क्या? बैंक नंबर में लिखा रहता है, देखे होंगे, तो ये कुछ डिजिट्स हैं और लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे? 00 इसका 40 × 80 बोलो 3200 प्लस प्लस 1, आप बोलो आखिरी का डिजिट जोड़ो जी 100 क्या मिलेगा जी 1, और उसके बाद 0, और उसके बाद हमें पता ही नहीं है, उसके बाद कुछ भी हो वाई वाई वाई, हमें क्या लेने देना, हमें क्या चाहिए था? आखिरी के दो डिजिट, लास्ट टू डिजिट्स आर व्हाट? समझ गई बात? तो आंसर क्या रहे जी, आंसर क्या रहे? 01। समझा? चलो एक और क्वेश्चन, फाइंड लास्ट थ्री डिजिट्स ऑफ, ऐसा
इस नंबर का नाम रख देंगे वाई। वाई इज इक्वल टू किससे कन्वर्ट हो जाएगा जी? 10 प्लस 1 का पावर 80 छोड़ो गोली मारो 70 करो। आपको 70 पसंद है? क्या होता है ये सब चीज़ें? वाई इज इक्वल टू 70 सी 10 का पावर 70। यहाँ अंतिम के 70 डिजिट जीरो होने वाले। कोई संदेह किसी को इसमें? 70 सी 1 10 का पावर 69 70 सी 10 का पावर कर कितने डिजिट चाहिए जी आपको? 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट वाला लिखो, मतलब लास्ट के 3 टर्म लिखो। 10 सी 70 नहीं रहे, 67 लिखो। 10 छोटा सा माइनस पूरा नंबर बदल देता है यार। 70 लाख 70 सी 67 10 का पावर, ये आखिरी 3 डिजिट पक्का जीरो, श्योर सर्टेन जीरो। 70 सी 10 का पावर, इसके आखिरी के 2 डिजिट पक्का श्योर सर्टेन जीरो है। 70 सी 60 है, कुछ गड़बड़ किया मैंने? हाँ ठीक ही क्या? 69 10 का पावर 1 70 सी 10 का पावर 0 लिखने की जरूरत? तो फिर क्यों लिखे? लिख दिया तो मिटा देंगे। वाई इक्वल टू देखो, क्या ये नंबर 70 बार जीरो देगा? कम से कम ये सब जो है 10 बार जीरो तो दे, 3 बार जीरो तो दे बे करेगा। मतलब इस नंबर का फॉर्मेट क्या आने वाला है? XXXXXXXX 000 यही ना होगा जी? XXXXXX 000 प्लस 7368 का मतलब होता है 70 इंटू 69 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 00 अयो 100। क्या बोलते हो? 2 से काट के 50 कर दूं क्या? देखो अंतिम के 2 डिजिट 0 पक्का होगा इसका, पर बाकी नहीं पता। 69 इंटू 70 कितना? 7 कितना होता है? 70 इंटू 7 490 माइनस 7 ये कितना हुआ जी? 40 अयो यो 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 देखो इधर लो चलो फड़ा करना ही नहीं है। इधर 5 है, इधर 2 है, है? है? 2 कहीं नहीं मिल रहा है। इसका 2 ऑलरेडी यूज हो चुका है अपन में। चलो मल्टीप्लाई करो, 9 से 9 9 7 63 3 3 5 यहाँ भी कुछ नंबर होंगे। मुझे आखिरी का 1 ही डिजिट चाहिए था। आप इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे 3 ही डिजिट चाहिए ना। मुझे पता है कि आखिरी के 2 डिजिट क्या होने वाले? 0 तो मतलब 5 69 और 7 को मल्टीप्लाई करके जो डिजिट आएगा वही होगा। तो 69 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 63 का 3 और 3 5 जा 15 15 का 5 यही आया है आप लोगों का मल्टीप्लाई करके कि कुछ और आया? यही आया। इससे पहले भी कोई डिजिट आया होगा लेकिन उसमें हमें दिलचस्पी नहीं है, फालतू कैलकुलेशन नहीं करते। अब प्लस ये कितना हो जाएगा जी? 7800 प्लस 1 ये कितना नंबर है? ये ऐसा नंबर है वाई वाई और ये ऐसा नंबर है एक्स 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 000। लास्ट के 3 डिजिट जोड़िए जी, 1000 क्या मिलेगा? 1 और उसके बाद 000 क्या मिलेगा? 07 5 12 02। इससे पहले कुछ भी हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरी 3 डिजिट इज व्हाट? 201 लास्ट 3 डिजिट। समझ आई बात? वैसे लास्ट के डिजिट निकालने का एक और शॉर्ट ट्रिक होता है, बता देते हैं। बता दो क्या? पर ये बताने के पैसे नहीं लिए मैंने,
पर फिर भी बता दें फ्री में। मान लो कोई भी लास्ट का डिजिट है, लास्ट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 7 8 1, अयो 8 7 टू दी पावर 4 3 2 5 2 8 9। लिख कुछ और रहा हूँ, बोल कुछ और रहा हूँ, ऑडियो वीडियो नॉट मैचिंग। ये बेस है और ये पावर है, इसका अंतिम डिजिट क्या होगा? तो अंतिम डिजिट बहुत ही सिंपल होता है, मैं बता दे रहा हूँ। अंतिम डिजिट देखो, अंतिम की डिजिट इस सब चीज से इंडिपेंडेंट होता है, 7 पे डिपेंड करता है। ये इसका लास्ट डिजिट क्या है? 7 का पावर 1 किससे एंड होता है? 7 से। 7 का पावर 2 किससे एंड होता है? 9 से। यहाँ क्या होता है इससे में कोई दिलचस्पी? 7 का पावर 3 किससे एंड होता है? 3 से। और 7 का पावर 4? 1 से। 7 का पावर 5? फिर से 7 से। देखो साइक्लिक प्रोसेस है, 7 से एंड हुआ, फिर किससे आएगा? 9 से, फिर 3 से, फिर 1 से, फिर 7 9 3 1 चलता रहेगा। क्या ये 4 से पीरियडिक है? तो जब भी 7 का अंतिम पावर 4 का मल्टीपल रहेगा, लास्ट डिजिट क्या आएगा? अब 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, लास्ट डिजिट क्या आएगा? अब 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, लास्ट डिजिट क्या आएगा? और सर 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, लास्ट डिजिट क्या आएगा? अब 4 के मल्टीपल से 4 ज्यादा पावर रहेगा, तो फिर का 4 फिर से 4 का मल्टीपल हुआ, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? तो देखो ये 7 के जो ये है, इसकी पीरियडिसिटी ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। सारी गोंदिया का सामान लाके रख दो इधर, ये क्यों रखते हैं ये लोग? अगर ये 80 होता तो 4 से डिविजिबल होता, पर ये 80 नहीं है, 80 से एक ज्यादा है, तो ये 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। अब 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होने पर नहीं समझा? नहीं समझा? बस थोड़ा सा और बुद्धि लेकर पैदा होना था, थोड़ा पक के पैदा होते जल्दी हो गए आप लोग, थोड़े दिन और रुकते कच्चे कच्चे बच्चे हो गए कौले। क्या चाहिए आपको? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट किस पे डिपेंड करेगा? 7 पे। 7 का पावर में अगर 4 का मल्टीपल होता है तो वैल्यू क्या आता है? लास्ट डिजिट क्या आता है? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे 7 का पावर 4 = 1 कैसे सर जी? ऐसा सोच रहे हो ना? आप ऐसा सोच रहे हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा हो गड़बड़, फिर तो आप बहुत ही कोले हो भाई। इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, यहाँ लास्ट डिजिट की बात हो रही है। 7 का पावर 4 का लास्ट डिजिट क्या होगा? अब 5 का लास्ट डिजिट, तो जब भी 4 का मल्टीपल आएगा लास्ट डिजिट, अब 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा लास्ट डिजिट। देखो ये भी 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, ये भी 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, अब 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा लास्ट डिजिट, अब 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा लास्ट डिजिट, क्योंकि 7 का जो पावर है पीरियडिक है, किससे? 4 लेंथ से। पीरियडिक समझते हो? साइक्लिक प्रोसेस में एक ही चीज़ बार बार घूमना, उसको पीरियड बोलते हैं, तो ये पीरियडिक है। पीरियड लेंथ कितना है इसका? 4 है। तो अब देखो ये 80 होता तो 4 से डिविजिबल हो जाता, 4 का मल्टीपल होता, 80 नहीं है, नहीं है क्या है? तो मतलब इक्विवेलेंट तो क्या होगा? 7 का पावर 4 का मल्टीपल + 1। अब 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा रहेगा 7 का पावर, लास्ट डिजिट क्या आता है? 7 आता। अब बोलो नहीं समझा कौले? आपको समझा जी शर्मा जी? मम्मी को आपने बता दिया था कि मैं आपको शर्मा जी बोलता हूँ? क्यों? सही है। 2 का पावर 32 यही ना है जी? 2 का पावर 30 को मैं 32 का पावर 6 लिखूंगा। इसमें कोई पाप होगा? अरे 2 का पावर 5 × 6 लिखाऊं? अब 32 को लिखूंगा मैं 30 + 2 का पावर
छः। यही करोगे आप लोग? क्या किए हो? दो को 30 बार मल्टीप्लाई किया हो क्या? वन जीरो टू फोर किए। बहुत तेजस्वी हो भाई साहब। इसका आखिरी का 3 डिजिट तो है आपको 6C0 30 पावर 6 मिल जाएगा। 6C0 से 3 तक जाएगी बात। 30 पावर कितना मिलेगा? 30 पावर 3 इंटू 2 का पावर क्या मिल जाएगा? 3 प्लस 6C 4 30 पावर 2 इंटू 2 का पावर 4 प्लस 6C 5 30 पावर 1 इंटू 2 का पावर 5 प्लस 6C 6 2 का पावर 6 ऐसा रहेगा। अब ये नंबर में ऐसा सीन है कि ये इसका अंतिम 3 डिजिट 0 पक्का है। लास्ट क्यू 3 डिजिट 0 पक्का है ना इसका? ये XXX000000 का फॉर्म लेगा। बोलो 64 का वैल्यू कितना होता है? 15 होता है। 15 में 5 मौजूद है। 15 बिना 5 के नहीं बनेगा। और यहाँ एक 2 मौजूद है, 10 बन गया। और यहाँ पर 2 बार 10 मौजूद, एक ही बार है, 3 बार नहीं है। आखिरी के 2 ही डिजिट 0 होंगे इसके। 64 कितना? 15। और ये 2 पावर 4 कितना होता है? 15 × 16 × 3 × 100 यही ना 30 का स्क्वायर है यार। फिर ये सब करने की जरूरत नहीं। 30 का स्क्वायर मतलब 2 बार 10 है और 1 बार 10 इससे बन सकता है। ये नंबर का भी आखिरी का 3 डिजिट 0 होगा। श्योर हो गया ये बात? देखो 5 है इधर, 2 है, 10 बन जाएगा। और 2 बार 10 पहले से मौजूद है, आखिरी 3 डिजिट 0 होगा। 65 कितना? 6 × 30 × 2 पावर 5 32 प्लस ये 64। अब बस इतना से कैलकुलेट करना है। चलो ये 180 18 × 32 मल्टीप्लाई करके बताओ। इतना कैलकुलेशन बताओ, 18 × 32 18 × 54 540 हो जाएगा। 18 × 36 540 और 36 576। तो 576 0 प्लस 64 अब प्लस जो भी नंबर हो जेड उसका लास्ट का 3 डिजिट 0 क्या हो जाएगा? ये 4 6 6 12 का 2 और 8। बाकी कुछ भी हमें कोई लेना देना नहीं। H लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 824। आप लोगों के भी यही आए? Yes, सही आए। पर लॉजिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपने बहुत मुश्किल प्रोसेस लगाया होगा। हाँ वो इसलिए क्योंकि यहाँ पावर टैकल करने लायक था, पावर टैकल करने लायक था। पावर बड़ा होता नहीं कर पाते। कॉफी से ना वेस्ट दी बार 15 इन एक्स क्यूब प्लस 1/b × x^1/3 15 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x−15 इन द एक्सपेंशन ऑफ a × x^1/3 −1/b × x^3 का होल पावर 15 वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर वेयर ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर देन ए कमा बी क्या हो? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सही है? मैं ऑप्शन लिखा नहीं हूं मैंने।
a into b is equal to 1, a is equal to b, a is equal to 3b, ab is equal to 3. तुक्का नहीं मारना है, आप मारो तुक्का, मैं मारूंगा मुक्का। सॉल्व करके आंसर दो, कुछ भी जो मन में जो इच्छा हो रही वो बोल दे रहा है। शीट का क्वेश्चन है क्या? क्या बात कर रहे हो यार, शीट में कैसे हो सकते हैं सवाल, 2023 का क्वेश्चन है ये। हाँ इसे टाइप का हो सकता है, सीट में 2023 का पीपीटी क्यों मैंने डाला ही नहीं। 30 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का है 2023 का क्वेश्चन। आपने इसी साल में हुआ है, 9 महीने पहले। कॉफिशन एक्स टू द पावर 15 इन दिस, एक्स टू द पावर 15 का कॉफिशन देखो इसका। एक काम कर लो, उसका जनरल टर्म मान लो कुछ टी आर प्लस वन। मार्कर तक नहीं, मिंक तक नहीं रहता भाई। क्या होता है वो 15 सी? मेहरबानी करो दादा, बोल दो 15 सी। वन बाय बी का पावर, एक्स का पावर, ए का पावर, एक्स का पावर एंड 3 टाइम्स ऑफ 15 माइनस आर 45 माइनस 3 आर 15 सी आर इंटू ए का पावर 15 माइनस आर बाय बी का पावर आर इंटू एक्स टू दी पावर 45 माइनस 3 आर माइनस आर बाय 3। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए? 15। इससे मतलब 3r माइनस r बाय 3 कितना हो जाएगा? 30। सही बात है, सही बात है। r बराबर क्या बात करते हो, बता दिया 27 है। हाँ ठीक है जी, नहीं यार, हाँ यहाँ प्लस आएगा आर बराबर 9। तो यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 15 क्या रहा? एक्स टू द पावर 15 रहा 15 सी 9, ए का पावर 6 बाय बी का पावर 9। ये हुआ स्टेटमेंट ए। अभी स्टेटमेंट बी में भी देखना पड़ेगा। इन बी मान लो कि टी आर प्लस वन टर्म है और बी के हिसाब से देखो इसका 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 टर्म कितना हो जाएगा 15 सी आर। ए का पावर नहीं पता, एक्स का पावर पता है, ए का पावर 15 माइनस आर बराबर और एक्स का पावर 15 माइनस आर बाय 3 इन टू इंटू नहीं रे माइनस वन बाई बी का पावर आर इन टू एक्स का पावर 3 आर। समझे? इधर से एक्स का पावर टोटल कर कीजिए, टोटल नहीं टोटल 15 सी आर, ए का पावर 15 माइनस आर बाय माइनस बी का पावर आर। चलता है क्या आपको? चलाना पड़ेगा भाई। एक्स का पावर टोटल कर लेते हो, 15 माइनस 3 कितना होता है जी? क्या होता है? 5 माइनस आर बाय 3 और माइनस 3 आर। ये सब की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 15 होना चाहिए, माइनस 15 माइनस 15 अर्थात 20 इज इक्वल टू आर बाय 3 प्लस 3 आर। आर इज इक्वल टू कितना? 6। अर्थात यहाँ से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 15 क्या हो? 15 सी 6 इंटू ए का पावर बाय बी का पावर, बी का पावर 6 ना, तो माइनस बी का पावर 6 और बी का पावर 6 दोनों आपस में एक ही बात है। अब आप क्या बोला कि ये बात और ये बात दोनों क्या है? इक्वल। तो मतलब रेशियो क्या आएगा? दो इक्वल चीजों का रेशियो क्या होता है जी? वन होता है। पर हम रेशियो नहीं करेंगे,
दोनों चीजों को लिख दो, जो दो चीजें आपस में इक्वल है। बी और ए क्या है? इक्वल। तो दिया है ए इज इक्वल टू, अयो ए है क्या है? ए इज इक्वल टू बी। ए कितना है? 15c। बोलना जरा, मेरे को नहीं दिख रहा। 15c 9, ए का पावर 6, ऐसा नीचे डिवाइडेड बाय, यानी इक्वल टू 15c 6, ए का पावर 9, अभी का पावर 6। अच्छा, ये तो आपस में कट जाता जी, है ए का पावर 3 बनेगा, बिग पावर 9 बनेगा, 3 बनेगा 3, तो 1 इक्वल टू एक पावर 3 बिग पावर 3, अर्थात ए बिग पावर 3, अर्थात ए बी किसके इक्वल? ऑप्शन ए। आसानी तो था ये, क्या कठिनाई थी भला इसमें? कोई कठिनाई थी? इफ ए आर, ए सुनो शांति से, ए आर इज कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर 10 माइनस आर इन 1 प्लस x टू द पावर 10, देन समेशन फ्रॉम 1 टू 10 आर क्यूब अपॉन ए आर इंटू ए आर बाय ए आर माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑप्शन ए या बी या सी या डी, इनमें से कौन सही है? 1210, 4895, 3025, 5445। इनमें से कौन सही है? सॉल्व करें।